नमस्कार किसान साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्रोटेक एंड रिव्यू में। किसान साथियों, आज का विषय जानना, गेहूं में पहला स्प्रे कौन सा करें और कब करें। किसान साथियों, इसी प्रकार हम इस वर्ष गेहूं की हर स्टेज पर मुख्य वीडियो अपलोड करेंगे और जानकारी देंगे वीडियो के माध्यम से। इसके लिए किसान साथियों, आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि समय समय पर आपको वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। आते हैं विषय की बात पर और जान लेते हैं कि गेहूं में हमें पहला स्प्रे कौन सा करना चाहिए और कब करना चाहिए। साथियों, हम गेहूं में 2,4-D का इस्तेमाल करते हैं, जो कि मैंने बोला 2,4-D का इस्तेमाल हमें नहीं करना चाहिए। उसका मुख्य कारण यह है कि हम गेहूं के फसल में 2,4-D का इस्तेमाल करते हैं और देखते हैं कि उसका रिजल्ट तेज़ मिलता है और तुरंत जो खरपतवार रहते हैं वो मुरझा जाते हैं। लेकिन ऐसा होता है कि साथियों, कि पूर्णतः रूप से मरते नहीं हैं, वो मुरझा जाते हैं और अगली सिंचाई में जैसे ही उनको पानी मिलता है वो पुनर्जीवित हो जाते हैं। तो बात आती है 2,4-D की जगह हम किसका इस्तेमाल करें। साथियों, हमें 2,4-D की जगह मेट सल्फ्रॉन मिथाइल 20% WG, यानी कि वेटेबल जो ग्रेन्यूल और पाउडर फॉर्म में आता है, उसका इस्तेमाल करना चाहिए। मेट सल्फ्रॉन मिथाइल 20% WG साथियों, ये खरपतवारों को जड़ से सुखा के पूर्णत रूप से ख़त्म करता है, जो कि पुनर्जीवित होने के कोई चांसेस नहीं रहते। एक सिलेक्टिव सिस्टमिक और पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड है, यानी कि आप इसको बुआई के बाद इस्तेमाल कर सकते हैं। मुख्य रूप से जो ब्रांड इसमें आ रहे हैं वो ड्यूपोंट की एलग्रिप नाम से आ रही है, धानुका की हुक नाम से आ रही है, वहीं UPL की मेस्टी नाम से आ रही है, क्रिस्टल की एल्गो और कई सारे ब्रांड इस केमिकल को बेच रहे हैं। संसदियों, मुख्य तौर पर ये चौड़ी पत्ती के खरपतवारों के लिए गेहूँ में इस्तेमाल किया जाता है। अगर बात करूँ उसके डोज की, तो 8 ग्राम प्रति एकड़ की दर से आपको इसका इस्तेमाल करना होता है 200 से लेकर 250 लीटर पानी में। ये वेटेबल ग्रेनुअल फॉर्म में आती है, मतलब आपको ये दानेदार फॉर्म में या फिर पाउडर फॉर्म में मिलती है, तो इसको आपको 8 ग्राम प्रति एकड़ की दर से 250 से लेकर 200 लीटर पानी में इसका स्प्रे करना होता है। अब बात कर लेते किसान साथियों, इसका स्प्रे हमें कब करना होता है। तो बोनी के 20 से लेकर 25 दिन के बाद हम इसका स्प्रे कर देना चाहिए, जब हमारा खरपतवार 2 से लेकर 3 या फिर 4 से लेकर 5 पत्ती की अवस्था में हो, तब इसका रिजल्ट सबसे ज़ोरदार होता है, यानी कि बोनी के 20 से लेकर 25 दिन के बाद। अब बात कर लेते हैं कौन से खरपतवारों को ये कंट्रोल करता है। तो खरपतवारों में बथुआ, सेजी, वन मेथी, मैना, कृष्ण नील, मनमुना, जंगली मटर, मटरी, आकरा, चटरी, प्याजी, दुधई, ऐसे खरपतवारों को ये कंट्रोल कर सकता है। साथियों, इस मेट सल्फ्रॉन मिथाइल को इस्तेमाल करते वक्त आपको इसके साथ सर्फेक्टेंट यूज़ करना अनिवार्य है, सर्फेक्टेंट से इसका रिजल्ट अच्छा हो जाता है। ये थी बात किसान साथियों चौड़ी पत्ती के खरपतवारों के बारे में। अब बात कर लेते हैं कि सकड़ी पत्ती खरपतवार, घास प्रजाति के खरपतवार, जंगली जई, गुल्ली डंडा जैसे खरपतवारों को नियंत्रित कैसे किया जाए। इन खरपतवारों के लिए किसान साथियों, हमें क्लोडिनोफ ऑफ प्रोपोगिल या फिर जिसे हम कहते हैं प्रायोक्सोफ ऑफ प्रोपोनिल 15% WP, यानी कि ये भी वेटेबल पाउडर फॉर्म में आता है, जो कि सिलेक्टिव पोस्ट इमरजेंट हर्बिसाइड है, यानी कि इसको भी आप बुआई के बाद इस्तेमाल कर सकते हैं। जो मुख्य दवाइयां किसान साथियों मार्केट में मिल रही है इस केमिकल की, वो है सिजेंटा के टॉपिक, बायर के लूसीफर, क्रिस्टल के अवतार और ड्यूपोंट की चॉपर को ब्रांड इस केमिकल को सेल कर रहे हैं। साथियों, अगर आप भी घास प्रजाति के खरपतवारों से या फिर जंगली जई से या फिर गुल्ली डंडा से प्रभावित हैं, तो मेट सल्फ्रॉन मिथाइल के साथ आपको क्लोडिनोफ ऑफ प्रोपोगिल 15% WP का स्प्रे करवाना चाहिए। बात करो अगर इसके डोज मात्रा की, तो 160 ग्राम प्रति एकड़ की दर से इसका स्प्रे आपको करवाना होता है। जैसे कि ये वेटेबल पाउडर फॉर्म में आता है, आपको 160 ग्राम प्रति एकड़ की दर से इसका स्प्रे करवाना होता है। ये थी बात खरपतवार प्रबंधन के बारे में। अब बात कर लेते हैं कीट प्रबंधन के बारे में। कीट प्रबंधन के लिए किसान साथियों, हमें क्लोरोपेरीफॉस 20% EC का इस्तेमाल करना चाहिए, जो कि एक नॉन सिस्टमिक ब्रॉड स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइड है। साथ ही कॉन्टैक्ट स्टमक और रेस्पिरेटरी एक्शन पर यह काम करता है, यानी कि कीटों के शरीर पर टच होगा तो भी ये एक्शन देगा, साथ ही अंदर जाकर स्टमक और रेस्पिरेटरी सिस्टम पर भी काम करके कीटों को मारने में सहायता करता है। जो दवाइयाँ इस ब्रांड के नाम से निकाल रही हैं वो है UPL की क्लोरोबेन, डाउ की डर्स बैन, कोरोमंडल की त्रिशूल, श्रीराम कंपनी की क्लोरो 20। इनके अलावा भी अनेकों ब्रांड इस केमिकल को सेल कर रहे हैं।
साथियों, अगर बात करें मुख्य तौर पर ये किन कीटों को कंट्रोल करता है, तो तना छेदक, फल छेदक, पत्ती खाने वाले कीट, साथ ही रस चूसने वाले कीटों को ये कंट्रोल करता है। लेकिन इस स्टेज पर किसान साथियों मुख्य तौर पर हमें गेहूं में जो महू की समस्या आती है, महू रोग जो हमारी जड़ में लग जाता है, उनको कंट्रोल करने के लिए इसका स्प्रे हम इस वक्त करते हैं। वहीं अगर बात करूं मैं डोज की, तो इसकी डोज मात्र 50 ml प्रति पंप वह 250 से लेकर 300 ml प्रति एकड़ की दर से रहती है। साथियों, इन तीन केमिकल यानी कि मेट सल्फ्रॉन मिथाइल के साथ क्लोरिन ऑफ रॉफ पोपोगिल और क्लोरोपेरीफॉस 20% ईसी पहले स्प्रे में आप इनको स्प्रे करें, जिससे कि आपको खरपतवार साथी कीट को भी नियंत्रित करने में सहायता मिलेगी। बाकी यही थी इस वीडियो की सूचना, तो अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर लौटूंगा ऐसी जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।